हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत पर्यटन नगरी डलहौजी में हर साल लाखों की संख्या में सैलानी यहां पहुंचते हैं और यहां की खूबसूरत वादियों को निहारते हैं। इन दिनों पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है और देश के अलग अलग राज्यों से लगातार सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते होटल कारोबार को भी काफी लाभ हो रहा है। लेकिन इसी के बीच पर्यटन विभाग ने होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। पर्यटन विभाग ने होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों को सैलानियों से अधिक पैसा वसूल न करने के निर्देश दिए हैं। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ नियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक और हिदायत हमने सभी रेस्टोरेंट ओनर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को करी है कि कई बार टूरिस्ट की कंप्लेंट आती है कि जो खाद्य सामग्री है या कई चीज़ें हैं जो MRP से ज़्यादा पर बेची जाती है, तो हमारा आह्वान रहेगा कि अगर ऐसे कोई इंसिडेंट होता है जस्ट लेट अस नो, विल टेक एक्शन। और उनसे भी हमारी आग्रह है जो हमारे वेंडर्स हैं कि एक ऑनेस्टली जो आपके MRP पे रेट लिखा है उसी को ऑनर करें और मतलब इसको मेल प्रैक्टिस में ना जाए, नहीं तो एक्शन एज पर लॉ किया जाएगा। आपको बता दें कि जिला पर्यटन अधिकारी राजीव मिश्रा ने कहा कि होटल कारोबारियों और रेस्टोरेंट कारोबारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सैलानियों के साथ मित्रतापूर्ण माहौल बनाकर रखें। उन्होंने कहा कि अगर रेट से अधिक कोई पैसा वसूलता है तो उसके खिलाफ पर्यटन विभाग पूरी नजर बनाए हुए है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।